अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। नहीं पप्पो, आप पप्पा को मत बोलिएगा, मैं खुद चली जाया करूंगी। अरे अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम अकेली कॉलेज जाओ, इसे तो बुखार है। सुबह तक तो ठीक थी, अभी हुआ होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, अंदर जाके दवाई पी ले। तुम पर जो गुजरी है ना बेटा, दिल पकता है। किसी का बाप उसके सामने से चला जाए तो क्या गुजरती है उस बच्ची पे। मिलने के हालात हैं अब, लेकिन मैं बार बार कैसे समझाऊं सबा को। तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं बात कर लूंगा सबा से। अम्मी, अबू, हादिया, 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 क्या हुआ इसे? हादिया जब अंदर आई तो खड़े खड़े गिर गई। तो तुमने उसको दवाई नहीं दी थी? अम्मी मुझे क्या पता था। हादिया, हादिया, तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? अरे जाओ पैसे लेके आओ जो कल मैंने तुझे दिए थे, इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊं मैं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा होश। अमना कैसी बातें कर रही हो, इसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा तो इसे होश कैसे आएगा। रोटी खाने के पैसे नहीं है, एक और खर्चा आ गया। आमना मेरा दिमाग खराब मत करो, पैसे लेके आओ जल्दी से। हादिया, अम्मी हादिया को कुछ होगा तो नहीं ना? चुप कर तू भी। बढ़िया ही, दूसरों के खर्चे पे अयाशी करना कितना आसान होता है ना। मैं जरा मार्केट जा रही हूँ कि कपड़े धो लेना। जी भाभी, चाय पी के धो दूंगी। सुबह से दोपहर होने को है और यहाँ तुम्हारे नाश्ते ही खत्म नहीं हो रहे। कपड़े धोकर किचन भी साफ करना है, और हाँ स्टोर रूम से भी सारा कबाड़ निकाल के उसकी भी सफाई करनी है। अम्मी ने बोला था तुम्हें बोलने को। लेकिन मुझे तो नहीं बोला खाला ने। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें जवाब देने कैसे आ गए? जब दूसरों के घरों में रहते हैं ना तो काम भी करने पड़ते हैं। मैं मना तो नहीं कर रही भाभी। मना क्यों करोगी, करना पड़ता है। शादी के दूसरे ही दिन से मैं काम पर लग गई थी और आज भी सुई की तरह घड़ी पर चलती हूँ मैं। तुम्हारी तरह सोती नहीं रहती दोपहर 12 बजे तक। और हाँ, कल तुमने बर्तन किस तरह साफ किए थे? सारी चिकनाई थी उन बर्तनों में, मुझे दोबारा धोने पड़े। टंकी भरनी पड़ी मुझे पानी की, जो बर्तन धो धोकर तुमने खाली कर दी थी। क्या बोलूं भाई मैं तुम्हें, कभी घर पर काम किया हो तो कुछ पता हो ना तुम्हें। जी। क्या जी जी लगा रखी है? अल्लाह, अरे मैंने हो गए क्या घर में साहब? पानी का कहा था, अरे हजार दफा कह चुका हूँ जब यहाँ बैठा करूँ तो पानी लाके रख दिया करो, कोई नहीं सुनता, अपने अपनी धुन में लगे हुए सब। अरे कोई है इस घर में पानी पिलाने वाला? एक तो पूरा दिन ना इस घर में आवाजें ही लगती रहती हैं, ये कर दो वो कर दो, जाओ जाकर पानी पिला दो उनको, वो भी खुश हो जाएंगे तुम्हें देखकर। मुझे तो कभी शफकत से एक नजर नहीं देखा उन्होंने, सारी शफकतें बस तुम पर ही निछावर हो रही हैं। बटवारा बेटियों का, बटवारा बेटियों का।
भाई कुछ नहीं पप्पा, बस सारा और आदिया की तस्वीरें देख रही थी। सबा तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं, जो बोलना हुआ करे ना बोल दिया करो। मेरा भी यही हाल है, तुम्हारा जो दुख है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है जी। सबा मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम इस घर में इतनी डरी डरी क्यों रहती हो? देखो हम तीन ही तो हैं इस घर में, और तुम जब से आई हो ना मुझे इस घर में रौनक का एहसास होता है। अगर तुम इसी तरह से चुप रही ना तुम मेरे दिल पर क्या गुजरेगी इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। कभी सोचा है तुमने ये? कभी सोचा कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूं? नहीं पापा, मैं खुश हूं, पापा बहुत ख्याल रखती है मेरा। और मैं? आप भी रखते हैं। अरे डर काहे का भाई? फिर डर काहे का? मैं तुम्हारा अपना हूं। देखो तो तुमने अपना क्या हाल बना लिया। खुश रहा करो हुँ? और हाँ कल सुबह तैयार रहना, तुम्हारे अब्बा के ऑफिस चलेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। बताया भी नहीं, डॉक्टर के ले चलूं, दवा वगैरह ला दूं? नहीं मैं घर में ही ठीक हो जाऊंगी। हाँ तो बस ठीक हो जाओ, कल सुबह तक ठीक हो जाना क्योंकि वहां जाना जरूरी है, सही है ना? और हाँ वो मैं लो बता, ये जो तुम हर वक्त रोती धोती रहती हो ना सारा और हादिया के लिए, ये समीना के लिए परेशानी का बाइस बनता है। खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ हो गया तुम्हारी वजह से, समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ जी समझ रही हूँ। तुम स्प्राद? अरे कुप्पा हूँ तुम्हारा भाई। समझती क्यों नहीं? वो बस कल सुबह तैयार रहना। नौरीन, ए नौरीन, पानी। अरे अरे बेटा सारा तुम क्यों ले आई? नौरीन को बोल देती। वो नौरीन भाभी मसरूफ थी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जीते रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे यार
यार वे कौन है भाई? ओ हेलो हेलो, क्या हाल है जफर भाई? हाल तो हमारा अच्छा है, तुम अपने अहवाल बताओ बाबू। अरे जफर भाई, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, आप हमें तो याद ही नहीं करते, हम भी तो पड़े हैं राह में भाईजान। चलो, तुमने याद कर लिया हमें, एक ही बात है। अरे जफर भाई, मेरे याद करने से आप खुश हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे खुश तो भैया तुम हो, पांचों घी में है और सर कढ़ाई में। अरे जफर भाई, छोटी सी नौकरी, मामूली सी तनख्वाह, कौन सा हुन बरस रहा है मेरे यहाँ? बरस नहीं रहा है, छुपा के रखा हुआ है तुम लोगों ने। आ गई ना बात जबान पर। तो क्या चाहते हो तुम? जबान पे भी ना आए, साथ तो लेना है ना भैया। देखो जफर भाई, जो कुछ भी उस दिन बात हुई थी सब कुछ खुल के बता दिया था, कुछ छुपाया नहीं था। जिस पर आप जो है वो समीना को धमकियां दे रहे हैं, मेरे घर में फोन करके समीना को धमकी दे रहे हैं आप। ओ भाई, धमकी नहीं थी, हक की बात थी, हक की। तो हमने कौन सा इनकार किया भाई? जो कुछ भी है इन बच्चियों का है और महफूज हाथों में। तो वही बात तो मैं कह रहा था, जो जिस बच्ची का है उसे दे दो, सारा टंटा खत्म। अरे जो कुछ भी है ना जफर भाई, बच्चियों को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। बच्चियां अभी छोटी हैं, जब बड़ी होंगी तो मिल जाएगा। हाँ भाई, वाह वाह, हमने यहाँ फ्लाई सेंटर खोला हुआ है क्या? बड़ी बेशर्मी की बात है जफर भाई, सारा अपनी सगी खाला के घर है और दो वक्त की रोटी नहीं है कि उसे आप खिला सकें। ताने दे रहे हो, ये बातों के तीर मुझ पे ना बरसाओ, जानता हूँ मैं तुम्हारी नियत को। बिल्कुल बिल्कुल, नियत का हाल तो अल्लाह से ज्यादा कौन जानता है जफर भाई। अच्छा ज्यादा बड़बड़ के बातें मत करो जुबैर, सारे किस्से पता है मुझे तुम्हारे। जाती हमले करोगे जफर भाई मुझ पर? हैं? अगर जाती हमले करोगे ना तो मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं तुम्हारी, जब दिल चाहेगा मैं खोल के रख दूंगा। और तुम माशरे में गर्दन उठाकर चलने को तैयार नहीं होगे और ना मुंह दिखा सकोगे किसी को। और अगर बात सुनो, तुम्हारा दिल इतने पत्थर का हो गया ना तो भाई हम पैसे दे देंगे, कमरे के भी और खाने पीने के भी। उस बच्ची को कुछ दे दो, उसके पेट में कुछ चला जाए। बेशर्मी की बातें मत करो जुबैर, सीधा सीधा जो हिस्सा बनता है उसकी बात करो। सुनो फिर सुनो, अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि वकील के जरिए पेशी डलवा के फुलाना फुलाना करके सबका हिस्सा बटोर लोगे, दूसरों का भी हिस्सा बटोर लोगे, तो भाई बात सुनना जफर। सुन लो अब कि अगर पांच तुम्हारे जानने वाले हैं ना तो 10 मेरे भी हैं। और वो जो 5 कंटुट्टे जो मैं जानता हूँ ना तुम्हारे पास रहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। गांव से मारो मुझ पे, तुमने किया कारोबार ठीक है ना, और वो भी 2 नंबर कारोबार। साफ सी बात है जफर, ठीक है ना। मैंने किया नौकरी ठीक है, 30 साल हो गया नौकरी करते हुए, जूतियां रगड़ ली हैं मैंने, जब जाके अपने घर वालों का पेट पालता हूँ, तुम्हारी तरह से नहीं हूँ। और वो जो तुम पत्ते फेंकते हो ना, ये वो जो पत्ते, वो जो उसकी कोठरी में भी फेंकते हो, जा जुआ खेलने जाते हो, सब पत्ते तुम्हारे जानता हूँ मैं। बुड्ढे सालों फिरता रहेगा तू और तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे ठीक है देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी बीवी को भी। अबे क्या देख लेगा, क्या देख लेगा? हाँ देख लेना और जोर भी लगा लेना, ठीक है ना, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। अल्लाह चल चल चल। अबे हमें मरहम करा रहा है जफर को, जानता नहीं अंदर से क्या है जफर, छोड़ूंगा नहीं बेटा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। मुझे अपने घर जाना है, मैं आपके पास ले चलो। हाँ हाँ ले जाऊंगा।
अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? बस बस ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, उतर गया बुखार। तुम्हें पता है 104 बुखार था इसको और तुम इससे काम करवा रही थी, अगर इसे कुछ हो जाता तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ हाँ मुझे ही सुनाते जाओ, ये नहीं देख रहे कि पूरे 5,000 रुपए लग गए इसके ऊपर, कहां से लाएंगे इतने पैसे हम? बस करो, बीमार है, फोन करो उसकी बहनों को, अगर कुछ हो गया तो हम पे इल्जाम लगाएगी। तुम्हारी गलती थी, शुक्र करो इसको वक्त पर मैं अस्पताल लेके चला गया, 4 घंटे केयर में रखा उन लोगों ने। मेरी गलती कहां से आ गई? अरे इसकी तबीयत खुद ही ठीक नहीं रहती, कमजोर है, ऊपर से सारा दिन रोना रोना। मैं तुम्हें बता रहा हूं आइंदा से इससे कोई काम मत करवाना। तुमसे बहस कौन करे, अब यहीं बैठे रहोगे? तुम जाके सो जाओ सोबिये के पास। ठीक है बैठे रहो यहीं पर, सुलाओ इसको। और हाँ पैसे मंगवा लेना फोन करके, पैसे देने पूरे 5,000 रुपए, समझ गए ना? अभी मुझे भूल गई ना, प्लीज मुझे मिलवा दे एक बार आप इसे, अगर मैं मर जाऊंगी तो वो आएंगी ना। सलमान भाई, अरे 50,000 खर्च हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन काम पूरा करना है। और जब काम पूरा हो जाएगा ना फौरन पैसे दे दूंगा मैं। सलमान भाई ये मेरा एक काम करना है आपने बस। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अब खैरियत तो वहां नहीं होगी। किसकी बात कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। जुबैर की बात कर रहा हूं मैं, जुबैर की। बड़ा बदमाश बना फिरता है ना, मुझे फोन करके जलील कर रहा था, अब मैं जिल्लत की ऐसी दलदल में उसको गिराऊंगा कि वो निकल नहीं सकेगा। अब क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? अरे भाई मैंने क्या गलत किया, मैंने सारा के हिस्से की बात की ना तो दोनों ने टका सा जवाब दे दिया मुझे, चलना जाओ हमारे पास नहीं है, जाओ जो करना है कर लो, ये कहा मुझे। तुम क्यों मसला छेड़ रहे हो, जब से खावर भाई और सुल्ताना की डेथ हुई है तुम तो लालच के दलदल में धसे जा रहे हो। ज्यादा जबान तुमने निकाली तो मैं गुद्दी से जबान खींच लूंगा तुम्हारी, तुमने उनका साथ दिया ना तो अपना भी सोच लो। जफर इस हद तक ना घिरो, तुम भी अपनी हद पार ना करो, समझे, मेरा साथ दो, बीवी हो मेरी तुम। मैंने आज सारा दिन घूम कर वकीलों से बात की है, हिस्सा तो वो उनके अच्छे भी देंगे, देख लूंगा मैं। भाई एक बच्ची हमारे पास है, कानूनी हक है उसका। अरे ये सब कुछ बाद में भी तो हो सकता है। बाद में कुछ नहीं होता, अभी करना है अभी। मैं एक मासूम बच्ची का हक दबाने नहीं दूंगा किसी को भी, बुलाओ सारा को। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं पानी लाकर देती हूँ। सारा को बुलाओ मैं कह रहा हूँ, सारा, अरे सारा। सारा आओ बेटा आओ आओ। सारा बेटे कल तुमने अपने फूफा के खिलाफ एक दरखास्त लिखनी है, बाकी बातें वकील के दफ्तर में होंगी, ठीक है? जाओ मेरा बच्चा जाओ शाबाश चलेगा अभी पता सबको। हाँ
हेलो आमना, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? इतनी कॉल्स, मैं तो परेशान हो गई। परेशानी होती तो कॉल उठा लेती ना, लेकिन जानबूझ के कॉल नहीं उठाई। बोले इस घर में मौत हो जाए। क्या हुआ? अल्लाह खैर करे, हादिया की तबीयत तो ठीक है? उसी की तबीयत खराब थी, मरते मरते बची है, पूरी रात अस्पताल में थी। क्या हुआ हादिया को? अब पूछ रही हो तबीयत? जब गुजर गया वक्त, अब पूरे 25,000 लगे। हम गरीब लोग मोहल्ले वालों से उधार मांग कर अस्पताल का बिल भरा। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे बच्ची हमारे पास रखवा के हमें तो फकीर बना दिया ना, उधार मांगे मोहल्ले वालों से पैसे। पर कम से कम कॉल तो उठा लेनी चाहिए ना। आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, फोन तो चार्जिंग पे था, अभी अभी कॉल आई तो मैंने फौरन उठाया है। अरे बस रहने दो समीना, आप ये जो बच्ची की जिम्मेदारी डाल दी ना हम पर, ये तो हमारा दिल जानता है कि हम कैसे अदा कर रहे। पूरी रात अस्पताल में भागते रहे डॉक्टरों के पीछे, कोई मदद को नहीं आया, ऊपर से तुमने भी फोन नहीं उठाया। बताया तो है अभी, मुझे नहीं पता था। मेरी बात करवाओ हादिया से। सो रही है, पूरी रात बेहोश थी, अभी उठी थी, दवाई दी है, दोबारा सो गई है। अच्छा मैं आती हूँ सबा को लेकर। आने की जरूरत नहीं है, पैसे भिजवा देना मोहल्ले वालों के उधार देने। भिजवा दूंगी पैसे, याद रखना पूरे 25,000 है। ठीक है ठीक है, लेकिन मेरी बात करवाना हादिया से। हाँ हाँ करवा दूंगी, खुदा हाफिज। हाँ, बस सही है। बुलाओ सबा को, बुलाओ, जल्दी से जाना है हमें। वो सुबह में ये कह रही थी कि अगर आज नहीं जाते तो फिर कभी चले जाएं। क्यों? वो पता है आमना का फोन आया था, इतनी बातें सुना रही थी मुझे, हादी की तबीयत खराब है, रात से वो लोग पूरी रात जागते रहे हैं हॉस्पिटल में। तो मीरपुर खास जाएं, हॉस्पिटल जाएं? नहीं अभी तो वो घर पे आ गए हैं। मैं तो कह रही थी कि तो इसमें परेशान क्यों हो रही हो? अभी मैंने टाइम लिया हुआ है जहूर से, उससे मिलकर आएंगे तो फिर चले चलेंगे। लेकिन हादिया पता नहीं किस हाल में होगी। वो इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों परेशान होती हो तुम? लेकिन हादिया, क्या हुआ है पप्पू हादिया को? कुछ नहीं, वो तुम्हारी पप्पो को भी याद आ रही थी हादिया की, इस वजह से बात हो रही थी। पप्पो आप चले अगर तो आज पहले हादिया के पास से होते हुए चले। नहीं नहीं भाई, वो जहूर से टाइम लिया हुआ, तुम्हारे सामने लिया है, वो इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है, फिर मीटिंगें हैं, और मीरपुर खास को यहाँ रखा, जाहिर बात है उसमें देर तो लगेगी ना जाने में। ठीक है बेटा, आज नहीं फिर कभी चलेंगे, अभी तुम जाओ। चलो अल्लाह हादिया की तबीयत ठीक कर देना, पता नहीं बच्चे किस हाल में होगी, क्या करूं मैं। ये लो पानी पी लो तुम। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? फिर मैं आपको सब आपी के पास लेके जाऊंगा। बस उतर गया बुखार इसका। और वैसे भी मैंने तुम्हारी समीना आपी का बुखार ऐसा उतारा ना कि जिंदगी भर याद रखेंगी, बढ़िया ही पैसों वाली। क्या जरूरत थी उन्हें फोन करने की? कह देते उन्हें, खामखा उनको भी परेशान कर दिया। हाँ तो उन्हें भी तो पता चले कि ये मुसीबत जो हमारे गले में डाली है इससे निकलना कितना मुश्किल है। तुम? मुझे नहीं डर लगता वक्त ऐसे। और वैसे भी अब तुम फोन नहीं करोगे समीना आपा को, मैं खुद समीना से बात करवा दूंगी इसकी। बढ़िया ही। चाचू मुझे सब आपी के पास जाना है। हाँ हाँ जरूर लेके जाऊंगा अपनी बेटी को, दिल छोटा नहीं करना। जितना जल्दी हो सकता है उसके खिलाफ कार्रवाई को मुमकिन बनाए। अब तुम्हें पता चलेगा जुबैर तुमने किससे पंगा लिया है। ये क्या है? ये जुबैर के गले का फंदा है।
मैं कुछ समझी नहीं। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करने का फैसला कर लिया। कैसी कंप्लेन? सारा को बुलाओ जरा। जफर ऐसा मत करो, तुम्हें पता है कि सारा अलग परेशान है और तुम ना जाने कौन सा खेल खेलने जा रहे हो। जो खेल उन्होंने मेरे साथ खेला, तो खिलाड़ी तो मैं भी कम नहीं हूँ। जफर मुझे पूरी बात बताओ। बता दूंगा। सारा को तो बुलाओ। सारा, सारा। जी खाला। बैठो बेटा। सारा बेटी, ये लो, इस पर साइन करता हूं। खालू, ये क्या है? बेटी, वक्त आ गया है कि अब तुमने मेरा साथ देना है और मेरे साथ खड़े रहना है। जो ज्यादती तुम्हारे साथ हो रही है और जितनी खुली दुश्मनी पे वो लोग उतर आए हैं, ये करना जरूरी है। खालू, ये सच नहीं है। सच है या झूठ, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। साइन करो उस पे। अपने खाला को इस तरह मत देखो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। साइन करो उस पे। जफर, मुझे तो बताओ आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? जफर, ये क्या किया तुमने? जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। समीना, समीना जी, पानी लाओ भाई। अच्छा, ये लीजिए। इतनी जल्दी आ गए आप? ऑफिस नहीं गए? सबक कहाँ है? सब गड़बड़ हो गई। खैरियत तो है? सब तो ठीक है, क्या हुआ? अरे वो ठीक है, तो कॉलेज चली गई थी जहूर भाई के दफ्तर से। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि जहूर भाई कह रहे हैं कि दरखास्त पर तीनों बेटियों के साइन चाहिए। अरे सब तो सबसे बड़ी है, उसके साइन काफी नहीं है? नहीं है ना काफी, कंपनी की पॉलिसी है, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? देखो, समिया और शुजात से बात कर लो, आमना और जफर को बिल्कुल मत बताना, वरना वो मुसीबत खड़ी कर देंगे। ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, वरना फिर 20 लाख से हाथ धोने पड़ जाएंगे और बेटियों को अलग बुलवाएंगे। बात करती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, इसी हफ्ते करना है, हर हालत में करना है भाई। ये क्या है? कोई दरखास्त है, लेकिन तुम जरा एहतियात से काम करना। ठीक है, मैं कर लूंगी। समझ गई ना? हाँ, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सबसे बात कर लेना, बल्कि अभी बात कर लो, ठीक है? याद सो, चलो। कुछ रह तो नहीं किया? अच्छा, वो
मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा देना, मुझे रखा हुआ।